हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 9.2 क्लास 8 वाव मैथ। इससे पहले हम वाव मैथ की चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1 तक के सभी क्वेश्चन के सभी पार्ट पूरे कर चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर इससे पहले आपको किसी भी क्वेश्चन के किसी पार्ट में डाउट है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.2, टॉपिक आपको बताइए कौन सा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 1। क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल अ लोन ऑफ 10,000 रुपीज अमाउंट टू इन 2 इयर्स इफ कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई लोन लिया 10,000 रुपीज तो वो 2 साल कितने रुपए हो जाएगा, अमाउंट टू इन 2 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है और रेट ऑफ इंटरेस्ट रखिए 10% पर एनम। चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है। तो इन क्वेश्चन 1 प्रिंसिपल इज गिवन 10,000 रुपीज, तो पी हो गया 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखी है 10% पर एनम और टाइम नंबर ऑफ इयर्स दे रखे हैं 2 इयर्स और कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या है, एनुअली, हाफली नहीं है, तो सीधे फॉर्मूला लगना है। फॉर्मूला कौन सा होता है, ए इज इक्वल पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर एन। ओके, तो वैल्यू पुट करते हैं, ए इज इक्वल पी, पी कितना है 10,000, 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दे रखी है अपॉन 100 और एन यानी कि नंबर ऑफ इयर्स वो देखा 2, 0 से 0 कैंसिल कर दिया मैंने, है ना। तो ये क्या हो गया 10,000, तो यही 10 आ गया एलसीएम, 10 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो 10 प्लस 1 इतने तो आप जानते हो क्लास में आगे, सीधे एलसीएम लिया 10, 1 का मतलब लो दरअसल 1 अपॉन 1, 1 का डिवाइड 10 में 10 टाइम्स, 10 में 10 और ये 1 है ही, तो ये कितना हो गया 10,000 11 अपॉन 10 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 होता है, पता ही है 11 इंटू 11 तो 121 और 10 का स्क्वायर होता है क्या 100, तो अपॉन 100 20 से ये 20 कैंसिल, तो ये आंसर आ गया 12120 यानी कि 12,100 रुपीज अमाउंट आ गया। ये पूछा था कि 10,000 रुपीज जो लोन था अमाउंट कितना हो जाएगा इन 2 इयर्स में, तो आंसर इज अमाउंट इज 12,100 रुपीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एंड द क्वेश्चन 2, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 फॉर 3 इयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ये भी सीधा ऊपर की तरह है, उसमें खाली हमें अमाउंट निकालना था, यहाँ भी अमाउंट निकालना है, बस साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट और निकालना है, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते, जो अमाउंट निकलाएगा उसमें से हम 15,000 यानी कि प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन 2। यहाँ हमें प्रिंसिपल दे रखा है 15,000, तो लिख लीजिए पी इज 15,000 रुपीज, समय हमें इस क्वेश्चन में 3 इयर्स दे रखा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फर्स्ट में भी 10 थी ना, तो यहाँ भी 10% देखिए 10% पर एनम को शॉर्ट में पीए लेते थे। अमाउंट निकालना है, अमाउंट इज इक्वल, एक बार और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखूँ, है ना, हम इससे पहले वाली एक्सरसाइज फॉर्मूला लिख चुके हैं तो फॉर्मूला तो आपको रट गया होगा, लेकिन आपके जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक क्वेश्चन ही आएगा या दो, तो फॉर्मूला आप लिखना, उसका फायदा क्या होता है, कहीं आपकी मिस्टेक हुई कैलकुलेशन में तो क्या होता है, टीचर फॉर्मूले पर मार्क्स दे देता कि हाफ मार्क्स, चलो फॉर्मूला लिखा यहाँ तक तो सही है, हाफ मार्क्स से मिला, तो मान लो आगे पूरा गलत हो गया तब बात चल रही है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है हमें 15,000, 1 प्लस आर वो है 10 अपॉन 100, यहाँ पावर है 3 क्योंकि एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने दे रखे हैं 3, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 15,000, 10 एलसीएम सेम ऊपर की तरह लिख दूंगा 10 प्लस 1, बस पावर में चेंज है, रेट सेम थी, तो ये हो गया 15,000 तो यही इंटू 11 अपॉन 10 का होल क्यूब, 11 की पावर क्यू, क्योंकि जब कभी भी स्क्वायर आता है और क्यूब आता है तो मैं हर वीडियो में, आपने हर क्वेश्चन देखा हो, मैं कहता हूं कि 50 तो आपको, सॉरी स्क्वायर तो आपको 50 तक याद होनी चाहिए और क्यूब 20 या 30 तक याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और नहीं है तो आपको 11 इंटू 11 करने का, 11 इंटू 11 121 होते हैं और उसमें 11 का मल्टीपल करोगे 1331, 11 का क्यूब कहने का मतलब मुझे 50 तक के क्यूब याद हैं तो मैं लिख देता हूँ 1331 और 10 का क्यूब, 10 का संबंध में क्यूब है तो 30 डालो, है ना, 1 2 3, 30 से 30 कैंसिल, तो अमाउंट इस वाले क्वेश्चन में आ गया हमारा कितने रुपीज, 15 का मल्टीपल कर दें 1331 में, है ना, 15 की टेबल तो याद होगी कितना आएगा 15 कैरी 1, 15 से 65 और 166 का 6 कैरी 6,
थ्री जा कुछ मैंने गलत कर दिया, 66 कैसे 15 से 45 होते हैं, कुछ गड़बड़ कर दिया, गिनता हूँ 15 बन जा 15 कैरी 1, 15 थ्री जा 45, 45 1 46 कैरी 4, सॉरी 15 थ्री जा 45, 45 और 4 49 कैरी 4, 15 बन जा 15 और 4 19, तो ये आ गया अमाउंट 19,965, तो अमाउंट तो ही निकलाया। अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और फाइंड करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें मालूम है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे सामने दिख रहा है आपको, हमने अमाउंट निकाला 19,965 एंड द प्रिंसिपल इज 15,000, तो सब्ट्रैक्ट करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया आपका, कितने रुपीज आ गया ये 14, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ सीधे से 14,965, 965 के नीचे जीरो है और 9 में से 5 तो 4, और एक गड़बड़ कर दी मैंने, क्या बन नहीं आएगा, बन में से बन गया जीरो, 4,965। तो आपका क्या हो गया आंसर, अमाउंट इज 19,965 रुपीज एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्ट में सीधे लिखते बताया ना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज 4,965। ओके क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज मंजू डिपॉजिट्स 80,000 रुपीज एट 8% पर एनम, 18,000 रुपये जमा करें मैंने, कितने 8% पर एनम फॉर वन ईयर, एक साल के लिए, ठीक है ना, किसमें करें एनी बैंक, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट हाफ ईयरली। अब ये पहला सवाल आया हाफ ईयरली का, इसमें क्या होता है फॉर्मूला चेंज हुआ था बताएंगे अभी, तो व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर वन ईयर, तो यानी कि एक साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, अमाउंट पूछा सीधी सी बात, अमाउंट निकालना क्या होगा कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन थ्री में प्रिंसिपल हमें दे रखा था 18,000 रुपीज, लिख लो प्रिंसिपल इज 18,000 रुपीज, ठीक है ना। अब यहां पर 8% पर एनम फॉर वन ईयर, तो टाइम जो दे रखा है एन इज वन ईयर, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8% पर एनम। फिर आगे क्या लिख रहा है, मेन इंपॉर्टेंट ये, इफ द इंटरेस्ट इज कैलकुलेट हाफ ईयरली, अभी तक जो था इससे पहले जितने भी सवाल करें 9.1 में और 9.2 के क्वेश्चन 1 और 2 दोनों में इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होती ईयरली होती, पर ईयरली बस इतना लिखा होता, पर ईयरली इंटरेस्ट इज कैलकुलेट कुछ नहीं लिखा होता, यहां लिखा हुआ है तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यहां लिख देना कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड जो भी है हाफ ईयरली यहां पर है ना, तो यहां हाफ लिख लो, इज कैलकुलेटेड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, ओके क्लियर। अब हमें करना क्या है इसमें, ये सुनो, हमने एक फॉर्मूला बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो, मैंने पहली एक्सा जो वीडियो आई थी 9.1 में उसमें मैंने दे दिया लिंक, इस वीडियो में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो इसमें आप ये सारे फॉर्मूले लिखना, हाफ ईयरली हो क्वार्टरली हो, तो पावर फॉर्मूला क्या होता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूँ ना, तो अभी भैया कुछ नहीं बताया हमने फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है, ओके। तो चलिए करते हैं, मैं क्या सोच, हाँ फॉर्मूला, तो फॉर्मूला ही होता है क्योंकि हमने देखा हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली में ये समझना एल है, ये एल वाई ए इक्वल टू होता है पी, कब लगेगा जब हाफ ईयरली, मैंने अंडरलाइन कर दिया, तब भी फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन टू इंटू हंड्रेड और पावर टू एन, ये ध्यान रखना रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम गिविन है तब लगेगा, कभी कभी क्वेश्चन क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होती है कि 8% हाफ ईयरली, फिर ये हाफ नहीं होगा, यहाँ पर एनम है, मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, आप समझ लेना है ना, और टाइम ईयर ही दे रखा है, तो क्योंकि हाफ ईयरली टाइम को हमें हाफ ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस अब तो कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूले पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा, ओके। चलिए कहते हैं ए इक्वल टू पी, पी हमें दे रखा है 18,000 रुपीज, देख रहा ना पी 18,000, वन प्लस आर 8% है अपॉन टू इंटू हंड्रेड पावर टू इंटू एन, एन कितना बन गया, तो ये हो गया ए इज इक्वल 18,000, टू से कैंसिल, टू बन जा टू फोर जा, अब यहां एलसीएम आ जाएगा 100, ये तो समझ में टू बन जा टू फोर जा, ये तो सिंपल सी बात है, तो 100 ये हो गया प्लस फोर और टू बन जा, ये कितना हो गया 104 अपॉन 100 की पावर 2,
क्लियर। तो देखते हैं क्या आएगा, 18,000 पीस थे ये, 104 का स्क्वायर मतलब 104 इंटू 104, 100 इंटू 100, 30 ये और 1 2 3 0 ये कैंसिल हो गया, था समझ में आ गई। 2 से कैंसिल आप करना चाहें कर लें, है ना, हमने बताया कैंसिल करने में कोई फायदा नहीं है क्योंकि अपॉन में 10 है, 10 का डिवाइड करना इजी होता है, एक प्लेस का डेसिमल लगा दोगे। तो इसको हम मल्टीपल कर लेते हैं, 104 इंटू 104, मैं इसको रफ पर कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, वीडियो पॉज करके फिर मैं बताता हूँ कितना आया। तो मैंने कैलकुलेट करा तो 104 इंटू 104 आ गया 10,816। मैंने इसका 18 में ही मल्टीपल कर लिया है, जब इसमें 18 का मल्टीपल करा तो ये आ गया 194688, अपॉन में 10 है ही, 10 है तो एक प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, तो अमाउंट ये निकल के आ गया जो कैलकुलेट हो गया, कितना कितने रुपीज, 19,468.8, आगे जीरो डालो, ये है ना डेसिमल, एक प्लेस का डेसिमल, तो 19,468.80 रुपीज। कौन था, मंजू थी। तो पूछा था व्हाट अमाउंट विल सी गेट आफ्टर वन ईयर, तो हर छोटी सी लैंग्वेज देखना चाहो ले सकते हो, मंजू विल गेट आफ्टर वन ईयर रुपीज, जो भी आया 19,468.80। ओके क्लियर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एक्सरसाइज 9.2, चलिए इसमें इसी टाइप के आएंगे, हाफ ईयरली क्वार्टरली, है ना, इस टाइप के। पहली वाली एक्सरसाइज में क्या था, सारे के सारे ईयरली थे, इसके फर्स्ट टू भी ईयरली थे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 64,000 फॉर वन एंड हाफ ईयर एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्टेड बीइंग रिटर्न सेमी एनुअली, सेमी एनुअली हाफ ईयरली सेम है, यानी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करी आ रही है वो हाफ ईयरली है, सेमी एनुअली हाफ ईयरली सेम है, तो ऊपर वाली की तरह है, बस थोड़ा सा सवाल बड़ा हो गया है, इसमें हमें सिंपल इंटरेस्ट भी निकालनी होगी और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि डिफरेंस पूछा, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए करते हैं कैसे होगा बताते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, 64,000 प्रिंसिपल हमें दे रखा है, 64,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम और टाइम जो दे रखा है वन एंड वन बाई टू, वन होल वन बाई टू ईयर्स, डेढ़ साल जैसे बोलते हैं। अब यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे हो रही है, हाफ ईयरली, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कैलकुलेट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली या सेमी एनुअली एक ही चीज होती है ना, अगर हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली के हिसाब से आपसे सॉल्व करेंगे, कैसे होगा बताते हैं। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो हमें सीधा सीधा फॉर्मूला था, है ना, उसमें सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस निकालना है, तो एसआई के लिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि ये हाफ ईयरली है पर एनम है और इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, तो रेट निकालो, रेट क्या होगी 20/2, ये पर एनम है तो जाएगी पर हाफ ईयरली, तो रेट की जगह जो फॉर्मूले आर की जगह क्या लगेगा 10 लगेगा, एसआई की जगह फॉर्मूले तो हम 20 लगा देते हैं कंपाउंड में, क्योंकि अपन में 2 आता है लगता वहां भी 10 है, ये 10% हाफ ईयरली होगी क्योंकि हमें इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगी हाफ ईयरली। अब टाइम कितना रखा है 1 एंड 1/2 ईयर्स, टाइम दे रखा है 1 एंड 1/2 ईयर्स, इसका मतलब 3/2 ईयर्स, 3/2 ईयर्स में कितने हाफ ईयरली होंगे, 2 से मल्टीपल कर दें क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 2 हाफ ईयरली, तो 3/2 ईयर का 6 मंथ, तो 1 ईयर में कितने 6 मंथ होते हैं, 2 बार होते हैं, हाफ ईयरली बोले छमाई जिसे बोलते हैं या सेमी एनुअली, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3 हाफ ईयरली होंगे। अब एसआई का फॉर्मूला लगा दो, जो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 है पढ़ाया अपने, इसमें पी की जगह तो वही रहेगा 64,000, प्रिंसिपल में तो कोई चेंज होना नहीं है, रेट और टाइम चेंज होगी, रेट अब 20 के बजाय 10% लगेगा, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, 20% तो हमें क्या रखी है एनुअली रखी है, हमें हाफ ईयरली कैलकुलेट करनी है तो 10% लगेगी और टाइम कितना हो गया 3 हाफ फेली हुए, डेढ़ साल में कितने हाफ फेली होंगे 3, तो इसकी जगह आएगा 3 और अपॉन 100, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो देखें ऐसा ही कितनी निकलाई,
तो एस आई हो गई सिंपल इंटरेस्ट जीरो तो ये है ही, और एक जीरो और है, 3 4 12 कैरी 1 3 6 18 और 1 19, तो एस आई तो ये निकल आई 19,200 रुपीज इज द एस आई। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, देखते हैं कितनी निकलती है, करते हैं चलिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें मालूम है अमाउंट ए इक्वल टू पी 1 प्लस हाफ के लिए, तो आर अपन 2 × 100 और पावर 2 n, मैंने हेडिंग डाली थी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, वो आपको पता ही है ना। तो वैल्यू पुट कर दें, अमाउंट कितना आएगा देखें, प्रिंसिपल 64,000, 1 प्लस 20 अपॉन 2 × 100, 2 × n था 3/2, तो कितना हो गया ये 64,000, 2 से ये 10 बार कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और 10 आ जाएगा एलसीएम, तो 10 प्लस 1 और 2 से 2 कैंसिल 3, 64,000 11 अपॉन 10 का होल क्यूब, 11 का क्यूब हमने थोड़ी देर पहले करा था, 1 3 3 1 आता है त्रिभुज डायरेक्ट 60, और याद होना चाहिए आपको 20 तक क्यूब आप याद कर लो, 1 3 3 1 होता है 11 का क्यूब और 10 का क्यूब 1000, 30 से ये 30 कैंसिल हो गए, 64 × 1331, मैं वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करता हूँ, ओके करा, तो मेरा ये आ गया 1 × 64 कहाँ गया, ये रहा 85,184 रुपीज आ गया अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी हुई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होती है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आया हमारा ये है 85,184 और प्रिंसिपल हमारा 64,000, तो देखें क्या आता है, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 8 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, अब 5 में से 4 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 21,184, और सिंपल इंटरेस्ट जो हमने निकाली थी ये गई आपके सामने दिखाई देता हूं दोबारा 19,200, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, डिफरेंस का मतलब जो ज्यादा इंटरेस्ट है, सेम प्रिंसिपल के लिए सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम हो तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगी, हम बताई चुके हैं, तो सी आई माइनस एस आई निकलना है, और सी आई कितना है 21,184 और एस आई निकल के आई थी 19,200, तो देखें कितनी रुपीज हो गई ये 84 तो रह गई और 1 में से 2 ले जाएंगे तो बोरो ले लिया, 11 में से 2 गया 9, ठीक है इतना सोच में क्या पड़ गया मैं, बोरो लिए 11 में से 2 गया 9, हाँ ये 0 बोल लिया, और 10 में से फिर सोच में पड़ गया 3 डिजिट हुई है द्वारा चेक कुछ कंफ्यूज हो गया मेरे पता नहीं क्यों, 4 में से 0 गया 4, 8 में से 0 से 8, अब 11 में से 2 गए 9 या 9 है और यानी कि 20 में से ये हो गया, तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट विल बी 1,984 रुपीज, ओके मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 मार्क्स 3 मार्क्स में आ जाते हैं ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 में कह रहा है यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल इज 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम टाइम 3 इयर्स, सिंपल सिंपल फॉर्मूला है पी आर टी रखा है और कैसा है कुछ नहीं लिखा होता पर एनम लिखा होता यानी एनुअली है ना, इसमें एक यूजिंग द फॉर्मूला देखो ऊपर वाले सवाल यानी कि बिना फॉर्मूले के करने थे क्या, आपके एग्जाम में अगर लिखा था है कि सॉल्व द जो भी है मतलब फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, तो इसका अलग मेथड थोड़े लंबे हो जाते हैं, हर साल के हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल के ऐड करते हैं, मैं इन चारों क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा है ना, मैंने तो सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से ही करें एक्सरसाइज 9.1 का भी और 9.2 का भी, लेकिन 9.1 मैं अलग वीडियो बनाऊंगा एक विदाउट फॉर्मूला यूजिंग कैसे करते हैं उसको बता देंगे यहां तक, ठीक है तो चलिए यूजिंग फॉर्मूला मतलब अभी तो जो हम करते हैं वही चीज करना है, इसमें प्रिंसिपल पी दे रखा है 20,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% एंड टाइम 3 इयर्स, चलिए करते हैं, बहुत सिंपल सवाल है क्योंकि इससे पहले कहीं ऐसा तो लिख नहीं रहा था कि यूज नहीं करना फॉर्मूला, तो हम तो फॉर्मूले बेस पे ही करा है, क्वेश्चन 5 पी प्रिंसिपल जो हमें दे रखा है 20,000 रुपीज, सेकंड चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है 15% पर एनम और टाइम दे रखा है नंबर ऑफ इयर्स दे रखा है टाइम हमें 3 इयर्स,
तो फॉर्मूला लगा कि हमें फाइंड करना है सीधा सीधा अमाउंट बस। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है अमाउंट इक्वल टू, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, प्रिंसिपल 20,000 वन प्लस रेट यानी कि आर 15 अपॉन 100 पावर एन, एन कितना है 3। क्लियर, यहाँ चाहो तो काट देते 5 से, 5 3 5 2। आपको कहोगे सर कहते हैं काटा नहीं करो, आप खुद काट दिए। मैंने इसलिए काटा, मैंने देखा यहाँ 20 ऑलरेडी आ रहा है, 20 से 20 कट जाएगा इसलिए ऐसे काट दिया। तो कितना हो गया 20,000 एलसीएम आ गया 20 20 प्लस 3। ओहो 21 आता तो सही रहता, 5 ही है 15 ही है, एक बार चेक कर लूँ 15 ही है, 15 अपॉन 100 5 से काटा, ठीक है ओके। तो ये कितना हो गया 20,000 तो ये, और ये हो गया 23 अपॉन 20 पावर 3 या क्यूब जिसे बोलते हैं। 20,000 23 × 23 × 23 अपॉन में 20 का भी क्यूब है, 20 का क्यूब ऐसे जानते हो 8,000 होता है, 80,000 है ना, लेकिन अभी हमने कर लिया ऐसे। तो देखो 1 2 तो 1 2 2 0 कैंसिल, 2 से 2 बन जा और 2 से ये 2 10 जा और ये 1 0 ये बचा हुआ है। क्लियर, अभी दिखाई दे रहा है 20 20 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ये हो गया 5 × 23 × 23 × 23। आपको 23 × 23 × 23 3 बार करना है, और अगर आपको क्यूब याद है 30 या 50 तक तो आप डायरेक्ट लिख सकते। 23 का क्यूब होता है 12,000 1 2 1 6 7, ठीक है ना, ये 23 का क्यूब होता है, मल्टीपल करना ये आएगा। हम 5 से मल्टीपल कर दें, मुझे याद है 50 तक ही क्यूब, इसलिए मैंने लिख दिया डायरेक्ट। 5 7 जा 35 कैरी 3, 5 6 जा 30 और 3 33 कैरी 3, 5 1 जा 5 और 3 8 और ये हो गया 12,560 60,835 इज द अमाउंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सीधा सीधा अमाउंट पूछा था, ना तो कोई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी है और ना इसमें कुछ क्या कहते हैं वो कुछ दे रखा है एनुअली है कि एनुअली नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया ओके। मैंने आंसर देखा तो 10,000 कुछ आ रहा है, कहीं मिस्टेक कर दी इसमें है ना, देखते हैं क्या मिस्टेक करिए या फिर आंसर गलत होगा। एक बार हम चेक कर ले रहे हैं, प्रिंसिपल 20,000 रेट 15% एन 3 इयर्स इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन लगाया आर 15% 5 से कैंसिल करा 5 3 जा 23 अपॉन 20 23 × 23 23 23 का होता है 1 2 1 6 7। फिर का मिस्टेक है 20 × 20 × 20 1 2 2 0 से 2 0 कैंसिल और ये 2 से 2 काट दिया 120। अच्छा ये अपन में 2 और रह गया ना, हाँ आंसर तो तब भी 10,000 ही आएगा है ना, ये अपन में 2 तो ये रह गया, एक मिस्टेक तो हमें मिल गई। देख लो ये दोबारा समझ लो, देखो यहाँ तो समझ में आ गया कुछ नहीं था, हमने क्या करा था ये 5 से काटा था, 5 3 जा एक बार चेक करो 5 3 जा 15 5 से ये 21 फिर 20 एलसीएम 20 प्लस 3 23 और पावर होगी 3। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ भी सही है 20,000 × 23 × 23 × 23 अपन में 20 × 20 × 20 ये भी सही है। अब हुआ क्या 1 2 2 0 ये कैंसिल कर दिए, ठीक है 3 0 सीधे सीधे काट देना चाहिए था हमें 1 2 3 1 2 3 0 0 देखो 3 0 काट दी मैंने 1 2 3। अब ये 2 से ये होना है 1 2 से 3 2 बचे नीचे है ना, 1 2 से 10 बार कैंसिल फिर 2 से 5 बार अपॉन में 2 बचा, अपॉन में 2 और है बस, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 10,000 तब भी नहीं आएगा 30,000 होगा। हाँ क्वेश्चन तो 10 कंपाउंड पूछा होगा, 10,000 तो क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, समझ रहे क्यों नहीं हो सकता है। यहाँ देखो जब प्रिंसिपल ही 20,000 दे रखा है तो अमाउंट तो 20,000 से अधिक ही होगा, या मैं आंसर गलत देख गया है ना, 10,000 देगा मुझे ऐसा ध्यान है। चलिए अब फिलहाल तो 2 से गलती हमें मिली है क्योंकि एक अपॉन में 2 रह गया, तो 2 का डिवाइड करें 2 3 जा 6 0 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 7 जा 14 कैरी 1 2 5 जा 10 इतना जा। तो अमाउंट होगा 30,417.50 रुपीज ओके। तो ये आंसर हो गया, अमाउंट की जगह जो आंसर दे रखा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है क्योंकि जब 20 था 10,000 होगा, ये बात समझ में, अमाउंट क्यों नहीं हो सकता जब प्रिंसिपल ही 20,000 से, तो अमाउंट तो 20,000 से अधिक होगा। लेकिन जो क्वेश्चन हेडिंग थी यहाँ सी एस सी लिखा यूजिंग द फॉर्मूला कैलकुलेट द अमाउंट, तो हमें केवल इतना ही फाइंड करना है, ठीक है। आप आंसर देख के कन्फ्यूज ना हो जाए, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ थी मैंने सही कर दी, 2 रह गया था 2 से डिवाइड कर दिया इसमें तो ये आ गया।
वो हमें आंसर में दे रखा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखी है, हमें केवल क्वेश्चन में अमाउंट फाइंड करना तो हो गया। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, 20,000 माइनस करोगे तो 10,417.50 इसकी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।